अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल टीवी के फास्ट बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। लावारिस मासूम बच्ची की लाश जुबली बस स्टेशन में मिली, मुसाफिरा गमगीन हो गए। प्याज की कीमत धन बल के नीचे गिर गई, 19 रुपए में 1 किलो बिक्री करते। शमशाबाद के एयरपोर्ट पे जुमे की सुबह कस्टम के ऑफिसरों की होशियारी से 18 किलो के सोने के बिस्किट पकड़ लिए। दिल्ली में हुकूमत बनाने के वास्ते तायद करते बोल के कांग्रेस वाले बोले और अरविंद केजरीवाल को खबरदार करे, कांग्रेस के खिलाफ बोलते वक्त अच्छी जबान इस्तेमाल करो। दिल्ली के पीसीसी के बड़े अरविंद सिंह लोली बोले, हम लोगों को वही हुकूमत देना चाह रहे हैं जिसके वास्ते लोग वोट दिए। इन्हों बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले बातें करने से पहले सोच लिए तो अच्छा रहता। महेश्वरम पुलिस स्टेशन के एरिया में है सो सुभानपुरे में जुमेरात की रात को एक आदमी अपनी बीवी से लड़के खुदकशी कर लिया। 2 साल पहले श्रीनिवास नाम के एक आदमी की शादी सविता नाम की औरत से हुई थी। श्रीनिवास को पीने का शौक था, कहते उन्हें पी के अपनी बीवी से लड़ाया लड़ता था। बोल रहे श्रीनिवास शमशाबाद में रहता था। इसकी बीवी रोज रोज के तू तू मैं मारम पीटी से तंग आके अपने अम्मा बाबा के घर में रहने लग गई जो सुभानपुरा में है। जुमेरात की रात को श्रीनिवास सुभानपुरा आया, सविता को घर को चलो बोला, उन्हें नहीं चलती हूँ बोली तो पहले तो लड़ने लगा, इसके बाद सर्विस वायर को पकड़ लिया। सर्विस वायर पकड़ते शॉट लग के श्रीनिवास मर गया। महेश्वरम के पुलिस वालों को मालूम हुआ तो वो लोग आके श्रीनिवास की लाश को उस्मानिया दवाखाने को भेज के तहकीकात कर रहे हैं। सिकंदराबाद जुबली बस स्टेशन में जुमे की सुबह एक पैदा हुए सो बच्ची की लाश मिली, जिसकी तरफ से मुसाफिरा गमगीन हो गए। और ये देखे, क्या ये इंसान है। सिकंदराबाद जुबली बस स्टेशन पे एक लावारिस बैग बहुत देर से पड़ा हुआ था, जिसके तरफ से लोग हैबत खा रहे थे। थोड़े लोग हिम्मत करके बैग को खोल के देखे, बैग खोलते ही वो लोग चमक गए। बैग में पैदा हुई सो बच्ची की लाश रखी हुई थी। लोग फौरन इसकी इतला मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन को दिए। पुलिस वाले आके लाश को गांधी हॉस्पिटल को भेजा दिए। एक केस लिख के ये बच्ची को कौन फेंके गया बोल के खोज कर रहे। पुराने पुल के एरियो में गए सो कितने की सालों से लोग डरनीचा मोरिया बहने से बहुत परेशान है। मंगलहाट के एरिया में गए सो कितने की सालों से लोग मोरिया बहने से बहुत परेशान है। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद समद ये एरिया का सर्वे करे तो इन्हों देखे कितने की गलियों में जहाँ वहाँ ड्रेनेज का पानी फहरा। वहाँ के लोग रियल चैनल के रिपोर्टर मोहम्मद समद से बातें करते हुए बोले, इन लोग कितने की बार शिकायत करे तो भी बल्दिया के ऑफिसर कुछ भी नहीं करते। शिकायत करके 8-8 दिन हो गए बाद बल्दिया के ऑफिसर आते और रिश्वत दिए तो इच काम करते, नहीं तो नहीं करते बोलते। ऐसी गंदगी से स्कूल के बच्चों को लोगों को आने जाने के वास्ते बहुत तकलीफ़ हो रही और बीमारियां फैल रही। बल्दिया वाले ये लोगों के प्रॉब्लम दूर करे तो अच्छा रहता।
थे, 10 दिन के वाला था, पैसे मांग रहे साहब जी। हाँ, 200-300 पैसे दिया तक नहीं ले रहे, और मंगलाट भी पूरा बोल रहे हैं समझो जी। हाँ, तो कंप्लेंट करने के कितने दिनों के बाद में आ रहे हो लोग? 8 दिन के बाद आते हैं, 4 दिन के सीरियल नंबर आते हैं, क्या बैठे हुए क्या हमारे नौकरान। शमशाबाद के एयरपोर्ट पे जुमे की सुबह कस्टम के ऑफिसरों की होशियारी से 18 किलो के सोने के बिस्किट पकड़े गए। शमशाबाद के एयरपोर्ट पे जुमा की सुबह सिंगापुर के धाई एयरलाइंस के टाइगर हवाई जहाज से सफर कर रहे थे 104 स्मगलरों को कस्टम के ऑफिसर ने पकड़ के इनके पास से 18 किलो के बिस्किट जब्त कर लिए। ये स्मगलर सिंगापुर के है कहते। कस्टम के ऑफिसर स्मगलरों के पासपोर्ट भी छीन लिए। कस्टम के ऑफिसर बोले एक महीने में शमशाबाद के एयरपोर्ट से 52 किलो सोना पकड़े कते। धूम 3 जिसका लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे 20 दिसंबर की जुमे के दिन रिलीज हो गई। ये फिल्म देखने के बाद लोग ये फिल्म को बहुत पसंद करेंगे। धूम 3 देख के थिएटर से बाहर निकलने वाले लोगों से रियल चैनल के रिपोर्टर जब फिल्म के बारे में पूछे तो लोग बोले ये फिल्म आमिर खान की फुल एक्शन में बनी हुई फिल्म है। पूरी फिल्म में कहीं भी देखने वाले बोर नहीं होते, बहुत दिलचस्प फिल्म है। आमिर खान ये फिल्म में अलग ही रोल करें, इनका काम सबसे अच्छा है। इनके अलावा अभिषेक बच्चन और कैटरीना की एक्टिंग भी अच्छी है। थोड़े लोग बोले ये फिल्म ये साल की सबसे अच्छी फिल्म है। बहुत लोगों को टिकट नहीं मिलने से सुस्त भी हो गए थे। मुख्तसर ये फिल्म हिट हो जाती जैसा दिख रहा। बचपन में जो है सर्कस में काम करता, उसके बाद में उसका बाप रहता, बाप देखे। गए 100 महीने में नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के मंडल सूर्यापेट में चोरी करे थे 100 चोरों को पुलिस वाले पकड़ लिए। क्या हुआ था बोले तो गए 100 महीने में 22 नवंबर को सूर्यापेट के बस स्टेशन पे 2.5 किलो सोना चुरा के भागे थे 102 चोरों को पुलिस वाले पकड़ लिए। पुलिस वाले एक महीने से चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, आखिर में पुलिस वाले 2 चोरों को पकड़ लिए। पुलिस वाले बोल रहे हैं 2.5 किलो सोना चुराए थे 100 चोरों के ग्रुप के 5 चोरा अभी भी नहीं मिले और पुलिस वाले इन लोगों को ढूंढ रहे हैं। ये लोगों के पास से पुलिस वाले 2.5 किलो सोना ले लिए और चोरों को अदालत को भेजा दिए। पाकिस्तान के सिंगर अदनान समी के वास्ते परेशानियां बढ़ती जा रहे हैं। मुंबई की अदालत इनको हिदायत दी, वो इनकी पहली की बीवी हयात सबा गलाडरी वाले जो मुकदमे की तहकीक कर रहे हैं सो पुलिस वालों को अपना पासपोर्ट जितना जल्दी हो सकता है दे देना कहते। अदनान को पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा कराने की हिदायत जस्टिस RP सुंदूर बिल्डोता दिए। सबा बोल रही अदनान पेशगी जमानत के शर्त पूरे नहीं कर रही। अदनान बीमार है कहते, इस वास्ते इन अदालत में हाजिर नहीं हो सक रहे। चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी जुमे के दिन नई दिल्ली को जाके PM मनमोहन सिंह के साथ एक मीटिंग करे। ये मीटिंग में कृष्णा के पानी पे ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले से रियासत के लोगों के साथ हुई सो नाइंसाफी के बारे में PM मनमोहन सिंह को डिटेल में बताए। ये मीटिंग में थे सो लोग ट्रिब्यूनल पे फिर से सोचो बोल के अपील करे। बाद में मीडिया वालों से बात करते हुए पहले के वजीर कोडेला शिवा प्रसाद बोल रहे ज्यादा पानी होना और दूसरे मसलों के बारे में PM को बोले कहते। CPI के नारायणा बोले अगर चीफ मिनिस्टर पहले से सीरियस रहते तो ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल का फैसला अलग ही रहता था कहते। अब खबरें तफसील से देखेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा के रुकन वी हनुमंत राव इल्जाम लगाते हुए बोले तेलंगाना के असली गद्दार सदर चंद्रबाबू नायडू के अलावा कोई भी नहीं है कहते। इन्हों तेलंगाना के गद्दारों की लिस्ट में नायडू के बाद YSR पार्टी के जगन मोहन रेड्डी और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का नाम आता बोले। मीडिया के आदमियों से बातें करते हुए इन्हों बोल रहे थोड़े दिनों में कैसा भी तेलंगाना बनता। सीमा आंध्रा के लीडर भी बोले अब चल रहे सो इजलास में तेलंगाना कैसा भी बनता बोल के इन लोगों को यकीन है। इन्हों बोल रहे TRS वाले कांग्रेस में नहीं मिले तो भी तेलंगाना अलग होता, इस वास्ते इन्हों KCR को मशवरा दिए कांग्रेस में मिल गए तो अच्छा रहता। प्याज की कीमत होलसेल मार्केट में ऐसी घटी अब 19 रुपए किलो बिक्री करते। ये साल सितंबर में प्याज की कीमत 56 रुपए किलो थी, अब 80% कीमत में कमी आ जाने से प्याज की सप्लाई बढ़ गई। अक्टूबर के चौथे हफ्ते में सप्लाई कम हो जाने से प्याज की कीमत आसमान पे चली गई थी और जब प्याज करीब 100 रुपए किलो से बिक्री थी।
बर्तानिया के सदर मुकाम लंदन में पुलिस वाले बोल रहे हैं अपोलो थिएटर की छत का थोड़ा सा हिस्सा गिरने से 80 लोग जख्मी हो गए थे। ऐसा मालूम हुआ थिएटर की छत गिरे जब वहां पे शो चल रहा था और वहां पे 720 लोग आए हुए थे। वहां पे 600 लोग बोल रहे हैं आग बुझाने के वास्ते 8 गाड़ियां वहां पे आए थे कहते। वजीर आजम डेविड कैमरॉन बोले अपोलो में हुए सो एक्सीडेंट पे इनको बहुत अफसोस है कहते। रियासत के वजीर शलजनात रियासत के टुकड़े करने का काम रोकने के वास्ते उन अदालतों को जाते गए। जुमा के दिन मीडिया वालों से बात करते हुए रियासत के वजीर शलजनात बोल रहे हैं सदर जमहूरिया जो बिल भी जाए वो तेलंगाना बिल ज्यादा डिटेल में नहीं है और मुल्क में कौन सी भी नई रियासत बगैर बिल पास करे के अभी तक नहीं बनी। इतना ही नहीं शलजनात रियासत के टुकड़े करने का काम रोकने के वास्ते सीमा आंध्रा के लीडरों को मदद करो बोल के भी अपील कर रहे। बिग बॉस में रियलिटी शो के नाम पे ऐसे गंदे सीना दिखा रहे हैं जिससे मुसलमानों के दिल को तकलीफ हो रही बोल के फलकनुमा पुलिस स्टेशन में आज एक केस सलमान खान के खिलाफ बुक कर लिए। कलर्स चैनल पे दिखा रहे हैं सो बिग बॉस शो के खिलाफ एक महीना पहले हाई कोर्ट में केस डाले थे। एडवोकेट फसीउद्दीन हाई कोर्ट में ये केस डाले थे। फलकनुमा पुलिस के एडिशनल DCP बाबू राव सेक्शन 295 लगा के तहकीकात शुरू कर दिए। अब देखना यह है ये शो से जो भी बेकार सीना है वो निकलते क्या नहीं निकलते। ये महीने 13 तारीख फलकनामा पुलिस स्टेशन को कोर्ट के तरफ से एक कंप्लेंट आया था। वो कंप्लेंट में फलकनामा में रहने वाला फसीउद्दीन ये कहा था टीवी में एक रियलिटी शो उसका नाम बिग बॉस बोल के एक कलर्स चैनल में आ रहा था। उसमें जो एक्टर सलमान खान जन्नत और जहन्नम को गलत इस्तेमाल करा और एक कुत्ते को भी जन्नत बोल के पुकारा बोल के उसका वजह से पूरा मुसलमानों को बहुत दिल का तकलीफ हुआ बोल के और उनका सेंटिमेंट्स मार खाया बोल के कंप्लेंट में लिखा हुआ था। वो कंप्लेंट का मुताबिक हम 295 IPC सेक्शन का दर्जी देते थे उसको केस बुक करके हम दरियाफ्त कर रहे थे। इंदिरा पार्क पे जुमे के दिन महबूब नगर के पास बस में जिंदा जल के दर्दनाक मौत मर गए थे सो लोगों के खानदान वाले एक दिन की भूख हड़ताल करे। इन लोगों का साथ आम आदमी पार्टी और CITU के लोग भी दिए। वो लोग बोले मरने वालों के खानदान वालों को एक आदमी के सिर्फ 1 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया हुकूमत की तरफ से दे रहे हैं। वो लोग बोले ये हादसे से औरतें बेवा हो गए बच्चे मासूम हो गए देखते देखते थोड़ी देर में कितने की खानदाना उजड़ गए। 1 लाख रुपये से क्या होता खानदान के एक आदमी को कम से कम 20 से 25 लाख रुपये और सरकारी नौकरियाँ दिए तो जिंदगी सुधर सकती। मैंने शोहर मोहम्मद सरदार बस एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। मेरे दो ट्विन्स लड़कियां हैं बुशरा हुसैन और इसरा हुसैन। मेरे शोहर के बाद हमारा कोई भी नहीं देखने के लिए मैं मुझको भी कोई जॉब नहीं है मैं एकदम अकेले हो गए। जैसा है कि हमारा रोज की ज़िंदगी का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है हमारे मैं मेरे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो गई पूरी तरीके से मैं और मेरे बच्चे रियासत के हुकूमत वाले माइनॉरिटी वेलफेयर के शेख मोहम्मद इकबाल को आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर बना दिए। वक्फ बोर्ड के मेंबरों की मुद्दत 15 दिसंबर को खत्म हो गई और हुकूमत वाले कानून वक्फ 1995 की दफे 43 के तहत शेख मोहम्मद इकबाल को आते 106 महीनों के वास्ते स्पेशल ऑफिसर बना दिए और उन्होंने आज दोपहर से इनके पोस्ट पे बैठ गए। लोग इनको फूला पिनाए और उन्होंने वक्फ बोर्ड के वास्ते कामा करेंगे बोल के बोले। अभी जो स्पेशल ऑफिसर का एक पोजीशन है वो एक बोर्ड ना रहने की वजह से एक 6 मंथ्स का एक गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। उस लिहाज से जो भी बोर्ड के फंक्शंस होंगे एक एडिशनल फंक्शन होगा तो मेरे लिए वैसे कोई बर्डन में तो फील नहीं। इनफैक्ट अच्छा ही है कि सुपरविजन के लिए या फंक्शन। मुसलमानों की जबान उर्दू जबान को नज़रअंदाज करने की कितनी भी कोशिश करो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कौमी उर्दू कौंसिल बोले तो
NCPUL वाले उर्दू के वास्ते बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर ख्वाजा इकरामुद्दीन बोल रहे हैं, उर्दू जबान इतनी प्यारी जबान है, इसको भुलाने और पीछे फेंकने की कितने भी कोशिशें कर लिए तो भी ये जबान और आगे बढ़ती जाती। जिले रंगारेड्डी में कंट्रैक्ट पे झाड़ू दे रहे हैं सो औरतां 15 महीने से नौकरी नकद तनख्वाह उधार बोले जैसा काम कर रहे हैं। फुकट में कौन भी कब तक काम कर सकता, मजबूर होके ये औरतां जुमे के दिन नामपल्ली डीपीओ पे धरना दिए। वो औरतां जल्दी से जल्दी तनख्वाह दियो बोल के मुतालबा कर रहे थे। नामपल्ली पुलिस को मालूम हुआ तो लेडीज पुलिस आके ये औरतों को पकड़ के लेके जाना चाह रहे थे। झाड़ू देने वाले औरतां नहीं जाना चाह रहे थे, पुलिस वालियां जबरदस्ती वहां से उठाना चाह रहे थे। अब ये बात पे ढकलम ढकली शुरू हो गई। ये सीन देख के ऐसा मालूम हो रहा था जब से झाड़ू वाले निशान के आम आदमी पार्टी दिल्ली में जबरदस्त कामयाब हुई, झाड़ू देने वालों की हिम्मत और भी बढ़ गई वैसा दिख रहा। और वैसे भी भूखे प्यासे काम करो बोले तो कोई भी कब तक मुंह मूंछ के काम करेगा। ये हंगामे में एक औरत बेहोश भी हो गई। कहते हल्के असम्बली सनत नगर के इलाके बहलुल खां गुड़े बस्ती में तेलंगाना माइनॉरिटी के बड़े सैयद यूसुफुद्दीन खादरी तेलंगाना के जलसे की सदारत करे। इसमें खास मेहमान डांडिया वेटल सनत नगर के इंचार्ज थे। इसमें सैयद अतीक जनरल सेक्रेटरी सनत नगर भी थे। ये जलसे में 100 से ज्यादा नौजवान TRS पार्टी में मिल गए। नौजवानों को फूला पिनाए और ये लोगों को सर्टिफिकेट भी दिए। डांडिया वेटल मीडिया वालों से बोले, ये बस्ती के लोगों को जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करेंगे और KCR से बात करके वहाँ के गरीब लोगों को पक्के भी और एक आदमी को 60 गज जमीन भी देंगे। कहते हल्के खुदबुल्लापुर मंडल के 125वीं डिवीजन के लक्ष्मी नगर में एक आदमी पानी के लाइन लेने के वास्ते 8000 रुपये ऑफिस में जमा कराया, मगर बस्ती के वाइस प्रेसिडेंट बोले, मेरे को भी 8000 रुपये दिए तो कनेक्शन मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। मुख्तसर मगर अहम खबरों पर एक नज़र डालेंगे। मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन अलग अलग किस्म के रोलों करके अब अपने आने वाली एक फिल्म में पाकिस्तानी शहरी का रोल कर रहे हैं। ये फिल्म के डायरेक्टर रसूल पोक्टी है। पाकिस्तान के एक बैट्समैन जुल्फिकार भुट्टू मैच खेलते वक्त सीने पे बाल लगने से ग्राउंड पे मर गए। यह हादसा वहां के एक क्लब में खेलते वक्त हुआ। क्लब अफसर रहमत उन्होंने मर गए बोल के तस्दीक करे। जजीरे इंडोमान 20 दिसंबर की सुबह में जलजले के झटके लगे। महकमे मौसमियात वाले बोल रहे हैं, जलजले की शिद्दत 5.1 रिएक्टर पर थी। गति अररिया में 24 घंटों में 5 बच्चे जापानी बुखार से मर गए। सिविल सर्जन BK ठाकुर बोले, अररिया थाने के हरिया बादा गांव में ये बीमारी से 5 बच्चे मर गए। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। लावारिस मासूम बच्ची की लाश जुबली बस स्टेशन में मिली, मुसाफिरा गमगीन हो गए। प्याज की कीमत धन बल के नीचे गिर गई, 19 रुपए में 1 किलो बिक्री करते। शमसाबाद के एयरपोर्ट पर जुमे की सुबह कस्टम के ऑफिसरों की होशियारी से 18 किलो के सोने के बिस्किट पकड़ लिए। तो नाजरीन, ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोगों अहमद को इजाजत दो। देखते रहो RealTV, ये ऐसा टीवी जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते, वो भी अपनी जबान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाजत दो, खुदा हाफिज। We'll be right back.